डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेरिडियन ओवरसीज। इस टाइम का सबसे बड़ा सवाल, क्या F1 वीजा स्लॉट्स की बल्क ओपनिंग दोबारा होगी? देखिए, ये अभी तक श्योरिटी नहीं है होगी या नहीं होगी। बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि बल्क ओपनिंग दोबारा हो सकती है जून के मंथ में, बट अगर वो नहीं भी होती और अगर आप रेगुलर ट्रैकिंग करते हैं तो डेली थोड़े थोड़े स्लॉट्स तो ओपन होते हैं, डेली ऑल्टरनेट डेज पे होते ही हैं थोड़े बहुत स्लॉट्स। तो अगर बल्क ओपनिंग नहीं भी होती है तो भी हमारे पास चांस है, क्योंकि माइनर स्लॉट ओपनिंग रेगुलर इंटरवल्स में होते जा रही है। तो अगर आपने वीजा स्लॉट नहीं बुक किया है और आप बल्क ओपनिंग के इंतजार में हैं, तो आप वो ना करें और आप डेली ट्रैक करें, ताकि आप ये माइनर स्लॉट्स में से भी अपने लिए स्लॉट बुक कर सकें। अब जैसे कि हम सबको पता है कि स्प्रिंग इनटेक के एप्लीकेशंस ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं और वो मैक्सिमम जून या मिड ऑफ जुलाई तक ही रहेंगे। तो अगर हमें उससे पहले अपना प्रोसेस करवाना है और हाथ में ऑफर लेटर और I-20 चाहिए, तो हमें अभी एप्लीकेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमें application02@meridian.org पे फॉरवर्ड कर दीजिए, या फिर ऑनलाइन काउंसलिंग लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए, या अगर आपको लग रहा है आप मिलकर डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमारे किसी भी ब्रांच पे भी विजिट कर सकते हैं। और आपको लगता है आपकी कोई बेसिक सी क्वेरी है तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो आई होप जो आज मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। ऐसी और यूजफुल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।